ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਓ 10000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਡੀਸੀ ਡੀਸੀ ਸੇ ਵੱਡਾ ਮੰਗਾਇਆ ਮੰਗਾਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਖਰੋਟ ਕਠੂਆ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ और जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा ये मशरूम का यूनिट जो है ये हमने मशरूम का काम करते हुए 10 से 11 साल हो गए हैं। और जैसे हम पहले सीजन पे काम करते थे पहले, तो हमें लगा कि हम क्यों ना कोई ऐसा सेटअप तैयार करें जिसमें हम खुद हमारे हाथ में कंट्रोल कंडीशन में हम तैयार कर सकें, हमारे हाथ सारा कंट्रोल हो, क्योंकि मशरूम की क्रॉप के लिए हमें बराबर टेम्परेचर बराबर ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो अगर हम उसमें फ्लक्चुएशन होती है तो इसकी प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ जाता है। तो हमने अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते गए इस काम से, तो हमने एक हाईटेक मशरूम यूनिट इस्टेबल किया है अपने ही गाँव में। और इससे हमें ये फायदा हो रहा है कि हम जो हमारी मशरूम है वो हम राउंड द ईयर तैयार कर सकेंगे और हमारे ये कंट्रोल कंडीशन में होगा। हमें जितना अगर हम मशरूम की ग्रोइंग की बात करें तो इसके लिए हमें कंट्रोल कंडीशन में ही आना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी आजकल काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं और इसको प्रमोट भी कर रही हैं मशरूम को। तो मैं सभी युवाओं को यही एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप मशरूम की खेती में आए और इसको आप बड़े लेवल से नहीं चाहे छोटे लेवल से काम शुरू करें और सीखें और धीरे धीरे आप इसमें ग्रोथ करो और अपने लिए भी आप रोजगार तैयार करोगे और अपने साथ और चार लोगों को जोड़ के आप उनके भी रोजगार का एक काम करोगे आप। एलजी साहब और सीएस श्री अटल डुल्लू जी के परिणाम से जो एचईडीपी स्कीम जो है आज से 3 साल पहले लागू हुई थी जम्मू कश्मीर यूटी में, उसके ही ये सभी परिणाम हैं कि आज जो ये रेवोल्यूशन जो है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो मशरूम रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा एक क्रांति जो इसमें आई है, ये सारा योगदान जो है माननीय एलजी साहब और श्री अटल डुल्लू जी का है, जिन्होंने ये सपना लिया था कि एचईडीपी स्कीम के तहत हम किसानों की आमदन को बढ़ाएंगे और एक क्रांति जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में लाएंगे। जहां मशरूम गर्मियों में ही मिलती थी और वो भी बाहर के एडजाइनिंग एरिया से आती थी, यहां 200-250 क्विंटल के आसपास मशरूम जो है हमारा कठुआ उगा पाता था, आज इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो रेवोल्यूशन आई है, जो क्रांति आई है, इसमें पिछले साल ही 9000 क्विंटल जो मशरूम जो है वो निकली है। और जो ऑफ सीजन मशरूम है, जो गर्मियों में हमारी मशरूम बाहर से आती थी, उसके लिए भी जो एचईडीपी के तहत जो प्रोग्राम जो माननीय एलजी साहब और श्री सीएस श्री अटल डुल्लू जी ने बनाए थे उस वक्त एचईडीपी के तहत, उसका परिणाम आने लगा है कि आज गर्मियों में भी फ्रेश यहाँ के युवाओं और महिलाओं के द्वारा उत्पादन की गई बनाई गई मशरूम जो है वो आज कठुआ मार्केट में मिल रही है। इसी के तहत इसी एचईडीपी के तहत हमने 4 यूनिट जो हैं एचईडीपी के मशरूम जो होल ईयर मशरूम जिसको हम क्रॉपिंग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं सब्सिडी के ऊपर 50% सब्सिडी के ऊपर दिए हैं, जिससे ये मशरूम आ रही है। 3 यूनिट जो हैं वो 24-25 में लगाए जा रहे हैं जो जल्दी ही उत्पादन देंगे। और इसके साथ साथ ही सभी युवाओं माता बहनों को हम अपील कर रहे हैं कि वो एचईडीपी का फायदा लें और इस ऑफ सीजन मशरूम में अपना भविष्य देखें और